हमारे अगले जो शायर हैं पीयूष यादव, इनके बारे में आपको बता दूं, इन्होंने पिछले वर्ष भी यहाँ परफॉर्म किया था और ये इनका भी आखिरी वर्ष है। पीयूष सर जो हैं काफ़ी संजीदा शेर लिखते हैं, माहौल को हिमांशु जी ने स्वयं संजीदा कर ही दिया है। मैं बशीर भद्र की चार पंक्तियों से इनको आमंत्रित करता हूँ, मुझसे जुड़िएगा। सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। बावजू का अर्थ होता है प्योर। सर से पांव तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। और ऐ जमी तूने मुझे कब्र से कम दी है, ऐ जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, ऐ जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है जमी, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। चार मिसरे आप सभी के नाम, देखें कि सबकी मोहब्बतों के हवाले ये चार मिसरे कि ढाती हो कयामत रोज। हाँ। सुने, ढाती हो कयामत रोज, अपने अपने महबूब का चेहरा अपनी नजरों में कर लें, पास बैठे हैं तो देख लीजिए। देखें कि ढाती हो कयामत रोज, कभी खुदा से भी डर लो ना तुम। ढाती हो कयामत रोज, कभी खुदा से भी डर लो ना तुम। ढाती हो कयामत रोज, कभी खुदा से भी डर लो ना तुम, मेरी जान मेरी जान मेरी जान। ढाती हो कयामत रोज, कभी खुदा से भी डर लो ना तुम, मेरी जान मेरी जान मेरी बाहों में बिखर लो ना तुम। ढाती हो कयामत रोज, कभी खुदा से भी डर लो ना तुम, मेरी जान मेरी जान मेरी बाहों में बिखर लो ना तुम। और ये सब इनके लिए, लड़कियों के लिए, कि ढाती हो कयामत रोज, कभी खुदा से भी डर लो ना तुम, मेरी जान मेरी जान मेरी बाहों में बिखर लो ना तुम। और छोड़ दो ये पाउडर लिपस्टिक के झंझट, छोड़ दो ये पाउडर लिपस्टिक के झंझट, तोड़ दो ये कंबख्त आईना, छोड़ दो ये पाउडर लिपस्टिक के झंझट, तोड़ दो ये कंबख्त आईना, बस की मेरी आंखों में ही देख कर सवर लो ना तुम। शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी का, बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। तो मोहब्बत की ही कुछ एक गज़ल, एक मतला देखें कि झूमती उंगलियों से जुल्फें सवारी जाएं। सुने मलिक सर, ये आपके लिए कि झूमती उंगलियों से जुल्फें सवारी जाएं। क्या कि झूमती उंगलियों से जुल्फें सवारी जाएं, शर्म पलकों से धीरे धीरे उतारी जाए। वाह, झूमती उंगलियों से जुल्फें सवारी जाए, शर्म पलकों से धीरे धीरे उतारी जाए। और बात कहने सुनने में न जाने कितने झंझट हैं। बहुत ही नाजुक सा शेर, मेरा मेरे दिल के बहुत करीब, कि देखें कि झूमती उंगलियों से जुल्फें सवारी जाए, शर्म पलकों से धीरे धीरे उतारी जाए। और बात कहने सुनने में न जाने कितने झंझट हैं। आप मुझसे जुड़े रहिए, पहुँचेंगे आप जहाँ तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, कि झूमती उंगलियों से जुल्फे सवारी जाए, शर्म पलकों से धीरे धीरे उतारी जाए। और बात कहने सुनने में न जाने कितने झंझट हैं, बात कहने सुनने में न जाने कितने झंझट हैं, सीधे इस लब से उस लब उतारी जाए। बात कहने सुनने में न जाने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात कहने सुनने में न जाने कितने झंझट हैं, बात कहने सुनने में न जाने कितने झंझट हैं, सीधे इस लब से उस लब उतारी जाए। और आसानी से जीत सकते थे जिसको हम, शेर खास देखें कि बात कहने सुनने में न जाने कितने झंझट हैं, सीधे इस लव से उस लव उतारी जाए। और आसानी से जीत सकते थे जिसको हम, आसानी से जीत सकते थे जिसको हम, आसानी से जीत सकते थे जिसको हम, ऐसी भी कोई बाजी हारी जाए। वाह, कहने सुनने में न जाने कितने झंझट हैं। और कैसे दिन भर दिन से परे रहे हम, कैसे दिन भर दिन से परे रहे हम, आसानी से जी सकते थे जिसको, ऐसी भी कोई बाजी हारी जाए। और देखें कि आसानी से जी सकते थे जिसको हम, ऐसी भी कोई बाजी हारी जाए। और कैसे दिन भर दिन से परे रहे हम, कैसे दिन भर दिन से परे रहे हम, कैसे दिन भर दिन से परे रहे हम, रात भर सूरत उनकी निहारी, कैसे दिन भर दिन से परे रहे हम, रात भर सूरत उनकी निहारी जाए। झूमती उंगलियों से जुल्फे सवारी जाएं, शर्म पलकों से धीरे धीरे उतारी जाए। और देखें कि जैसे कि फर्स्ट, ये मैं शेर, ये जो अगली जो चार लाइनें कहने वाला हूँ, चार जो मिसरे आपके सामने कहने वाला हूँ, वो मैं कहने वाला नहीं था पहले, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले हैं, इन्होंने क्या है कि बच्चों को बिगाड़ने की बहुत कोशिश करी, लड़कियों को बिगाड़ने की बहुत कोशिश करी। और देखें कि ये जो मेरा जो चार मिसरे हैं, ये ठंड के माहौल में ही आते हैं, कि तुम जो इतनी खूबसूरत हो, सभी देखो कि तुम जो सभी लड़कियों के लिए,
बिल्कुल, ये मेरा सुझाव ले लीजिएगा और ले जाइएगा अपने साथ। तो देखें कि तुम जो इतनी खूबसूरत हो, तो एक सलाह दिए दे रहा हूँ, मौसम को देखते हुए बिल्कुल सही शेर, कि तुम जो इतनी खूबसूरत हो तो एक सलाह दिए दे रहा हूँ, तुम जो इतनी खूबसूरत हो तो एक सलाह दिए दे रहा हूँ कि किसी की बात ऐसे ही मत मान लेना। तुम जो इतनी खूबसूरत हो तो एक सलाह दिए दे रहा हूँ, देखो तुम्हारा सब किया धरा मैं जीरो कर दे रहा हूँ। तुम जो इतनी खूबसूरत हो तो एक सलाह दिए दे रहा हूँ कि किसी की बात ऐसे ही मत मान लेना। तुम जो इतनी खूबसूरत हो तो एक सलाह दिए दे रहा हूँ कि किसी की बात ऐसे ही मत मान लेना, ये ठंड का मौसम है। तुम जो इतनी खूबसूरत हो तो एक सलाह दिए दे रहा हूँ कि किसी की बात ऐसे ही मत मान लेना, ये ठंड का मौसम है, यहाँ आदमी से ज़्यादा उसकी ज़रूरतें बोलती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए कि बिल्डअप बहुत अच्छा करते हैं सर, मैं समझ गया लोग कहाँ के हैं। तो एक पूरा सस्पेंस गज़ल देखें कि मतला है इसका, मतले में शब्द है, पहले मतले की पहली लाइन में ही शब्द है कुबकू, जिसका मतलब होता है हर तरफ, और दिलजू का मतलब होता है सर्चर ऑफ हार्ट, जो दिल की तलाश में फिरता है। तो देखें कि जिक्रे फसाना तेरा कुबकू रहे फिर, हाँ। जिक्रे फसाना तेरा कुबकू रहे कि फिर, जिक्रे फसाना तेरा कुबकू रहे फिर, रकीब मुझसा ही कोई दिलजू रहे फिर। जिक्रे फसाना तेरा कुबकू रहे फिर, रकीब मुझसा ही कोई दिलजू रहे फिर। ये नई गज़ल लिखी हुई है तो मैं भूल रहा हूँ, तो एक बार देख के बताता हूँ मैं आपको कि जिक्रे फसाना तेरा कुबकू रहे फिर, रकीब मुझसा ही कोई दिलजू रहे फिर, और तुम मुझको ख्वाबों में कुछ यूँ छोड़ती जाना, तो मुझको ख्वाबों में कुछ यूं छोड़ती जाना कि अंगड़ाइयां तोड़ती तेरी खुशबू रहे फिर। वाह, अंगड़ाइयां तोड़ती तेरी खुशबू रहे फिर, और बात सीधे लबों से लबों पे उतरे। ये पहले भी बताया मैंने कि बात सीधी लबों से लबों पे उतरे, ऐसी भी उनसे कोई गुफ्तगू रहे फिर। वाह, बात सीधी लबों से लबों पे उतरे और उनसे ऐसी भी कोई गुफ्तगू रहे फिर, तुमको मेरी जस्तजू थी जाना, तुमको मेरी जस्तजू थी जाना, तुमको मेरी ही जस्तजू रहे फिर, तुमको मेरी जस्तजू थी जाना, तुमको मेरी ही जस्तजू रहे फिर, और यूं कयूं चेहरा उतर आया आईने में, यूं कयूं चेहरा उतर आया आईने में, कैसे अब खुद से रूबरू रहे फिर। यूं कयूं चेहरा उतर आया आईने में, शुक्रिया। यूं कयूं चेहरा उतर आया आईने में, कैसे अब खुद से रूबरू रहे फिर, और न जाने किसके हुक्म की तामील हुई, न जाने किसके हुक्म की तामील हुई, जाने किसके हुक्म की तामील हुई, किसके कहने पे यहाँ जुगनू रहे फिर। वाह वाह वाह, किसके हुक्म की तामील हुई, किसके कहने पे यहाँ जुगनू रहे फिर, और सभी लोग यहाँ अपने घरों को छोड़कर रह रहे हैं। कई सालों से मुझे 5-7 बरस हो चुके हैं दिल्ली में आए हुए, अपना घर बार छोड़ के। तो देखें कि न जाने किसके हुक्म की तामील हुई, किसके कहने पे यहाँ जुगनू रहे फिर, और आंगन चौक ना चाहे जितने बदले, आंगन चौक ना चाहे जितने बदले, न जाने किसके हुक्म की तामील हुई, किसके कहने पे यहाँ जुगनू रहे फिर, और आंगन चौक ना चाहे जितने बदले। ये मक्ते का शेर है, आप मुझसे जुड़ जाइए कि आंगन चौक ना चाहे जितने बदले, आंगन चौक ना चाहे जितने बदले, रास्ता घर का मगर हूबहू रहे। वाह वाह, रास्ता घर का मगर हूबहू रहे फिर। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। एक और गजल का मतलब देखें और चंद शेर देखें कि इसमें पहला जो मतलब है, इसमें एक शब्द है कासिद, जिसका मतलब होता है डाकिया मैसेंजर। तो देखें कि ये मेरी आखिरी गज़ल है और मैं चाहूँगा कि आप सब बिल्कुल जैसी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं, वैसी ही मोहब्बत से आगे भी सबको नवाजते चलें, और आप नवाजते आए हैं तो इस बात का मैं बिल्कुल गर्व रखता हूँ आप पे। देखें कि मेरा मतलब कि खत जो छुपाए खड़ा है मुझसे, खत जो छुपाए खड़ा है मुझसे, मलिक सर के नाम इसे, कि खत जो छुपाए खड़ा है मुझसे, काशिद तजुर्बे में बड़ा है मुझसे। बहुत खूब, खत जो छुपाए खड़ा है मुझसे, काशिद तजुर्बे में बड़ा है मुझसे, और बेतरा घायल हुआ हूँ मैं, बेतरा घायल हुआ हूँ मैं, खत जो छुपाए खड़ा है मुझसे, काशिद तजुर्बे में बड़ा है मुझसे, और बेतरा घायल हुआ हूँ मैं, बेतरा घायल हुआ हूँ मैं, आईना झगड़ पड़ा है मुझसे। वाह, बेतरा घायल हुआ हूँ मैं, आईना झगड़ पड़ा है मुझसे, वो सभी से इश्क किया है मैंने, बेतरा घायल हुआ हूँ मैं, आईना झगड़ पड़ा है मुझसे, और सभी से इश्क किया है मैंने, सभी से इश्क किया है मैंने, हर एक शख्स लड़ा है मुझसे। बहुत, सभी से इश्क किया है मैंने, हर एक शख्स लड़ा है मुझसे, और पैवस्त रहा जो बाहों में मेरी, जो मेरी बाहों में रहा, पैवस्त रहा जो बाहों में मेरी, सभी से इश्क किया है मैंने, हर एक शख्स लड़ा है मुझसे, और पैवस्त रहा जो बाहों में मेरी, आंखें फेर कर खड़ा है मुझसे। वाह,
बहुत रहा जो बाहों में मेरी, बहुत शुक्रिया, पेवस रहा जो बाहों में मेरी, आके फेर कर खड़ा है मुझसे, और रात होश नहीं रहा होगा मुझको, रात होश नहीं रहा होगा मुझको, पेवस रहा जो मेरी बाहों में, आंखें फेर कर खड़ा है मुझसे, और रात होश नहीं रहा होगा मुझको, रात होश नहीं रहा होगा मुझको, पैमाना बहुत दूर पड़ा है मुझसे, बहुत रात होश नहीं रहा होगा मुझको, पैमाना बहुत दूर पड़ा है मुझसे। और शेर खास देखें कि गुनाह माफ कर रहा है वो सभी, अमित भाई देखें कि गुनाह माफ कर रहा है वो सभी, पैमाना बहुत दूर पड़ा है मुझसे, गुनाह माफ कर रहा है वो सभी, गुनाह माफ कर रहा है वो सभी, शायद और काम पड़ा है मुझसे, बहुत खूब, गुनाह माफ कर रहा है वो सभी, शायद और काम पड़ा है मुझसे, हज जो छुपाए खड़ा है मुझसे, काशिफ तजुर्बे में बड़ा है मुझसे। और मक्ते का शेर देखें कि साया देख के मालूम हुआ है मुझको, साया देख के मालूम हुआ है मुझको, इस शेर से मुझे जानते हैं, इस शेर से मुझे लोग, मुझसे लोग रूबरू होते हैं, पहचानते हैं कि देखें कि मक्ते का शेर आप सभी से, इसके बाद मैं रूबरू नहीं होऊंगा, इसके बाद अपनी जगह लूँगा। देखें कि साया देख के मालूम हुआ है मुझको, साया देख के मालूम हुआ है मुझको, साया देख के मालूम हुआ है मुझको, मेरा कद कितना बड़ा है मुझसे, बहुत खजो छुपाए खड़ा है मुझसे, साया देख के मालूम हुआ है मुझको, मेरा कद कितना बड़ा है मुझसे, खजो छुपाए खड़ा है मुझसे, काशे तजुर्बे में बड़ा है, बहुत खूब।